अमेरिका और यूरोप की लाइफलाइन लाल सागर इस वक्त दुनिया का सबसे डेंजर जोन बना हुआ है। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद इस डेंजर जोन में हूती ने कम से कम 16 समुद्री जहाजों पर हमला किया है, लेकिन इस बार हूती ने दुस्साहस की हर सीमा लांघ दी है। हूती ने अमेरिका के वॉरशिप को जलाकर डुबो देने का दावा किया है। रविवार को रेड सी में 5 घंटे से भी कम वक्त में हूती ने 3 कमर्शियल शिप और 1 युद्धपोत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। इतना होने के बाद भी सुपर पावर अमेरिका हूती के आगे लाचार दिख रहा है, और इस रिपोर्ट में जान लीजिए हूती के साथ खून माफ बाइडेन क्यों लाचार। अमेरिका का जंगी जहाज जला दिया। इसराइल के कारोबारी शिप पर मिसाइलें दाग दी। ब्रिटेन के जहाज पर रॉकेट स्ट्राइक। हिंदुस्तान आ रहा जहाज किडनैप कर लिया। हूती के विद्रोहियों ने नीले समंदर को आग के लाल लपटों और काले धुएं से भर दिया है। दुनिया के सबसे बड़े तेल रूट के लिए हूती सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। हूती के विद्रोही एक के बाद एक अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब के जहाजों और तेल के कुओं को जलाकर खाक करने में जुटे हैं। एक के बाद एक कई कमर्शियल जहाजों पर हमला करने और लूटने के बाद लाल सागर में हूती के विद्रोहियों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि उन्होंने इस बार एक अमेरिकी युद्धपोत और कई दूसरे जहाजों को जलाकर खाक कर देने और समंदर में डुबो देने के लिए रॉकेट, मिसाइलों और ड्रोन से अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। समंदर में दहकते, जलते और डूबते अमेरिकी वॉरशिप का ये वीडियो खुद हूती की तरफ से जारी किया गया है। हूती ने बाकायदा ऐलान किया कि सुपर पावर अमेरिका के इस वॉरशिप का हश्र हूती के मिसाइल अटैक के बाद हुआ है।
लाल सागर के अलावा फारस की खाड़ी में भी हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी बोट पर ड्रोन से हमला किया। एक तरफ अमेरिकी युद्धपोत पर हूती लड़ाकों ने हमला किया, दूसरी तरफ लाल सागर से गुजर रहे इजरायली कारोबारी शिप पर भी मिसाइल दागी गई। इसके अलावा ब्रिटेन के एक शिप पर रॉकेट स्ट्राइक की गई। तीनों ही जहाजों पर बॉब अल मंडेव स्ट्रेट के पास हमला किया गया, जहां हूती लड़ाकों ने सैन्य ठिकाने बनाए हुए हैं। पांच घंटे के अंदर हूती के विद्रोहियों ने लाल सागर और फारस की खाड़ी से गुजरने वाले कम से कम 3 कमर्शियल जहाजों और 1 वॉरशिप को जलाकर समंदर में डुबो देने की कोशिश की। इसके बाद उस जंग का ऐलान हो गया जो अमेरिका नहीं चाहता था। Weekend saw 4 attacks against 3 separate commercial vessels operating in international waters in the southern Red Sea. 3 vessels that are connected to 14 different nations, which goes to show you the extent to which this is truly a source of global concern and a threat to international peace and security. अमेरिका ने लाल सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक हूती के हमलों से अपने जहाजों को भस्म होने से बचाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया। हूती के हमलों का जवाब देने के लिए अमेरिका ने तुरंत सऊदी अरब को $500 मिलियन यानी करीब 4200 करोड़ रुपए की कीमत के मोर्टार डिफेंस सिस्टम दे दिए। लेकिन लाल सागर के मुहाने पर बैठकर अमेरिका के वॉरशिप्स भस्म करने का दुस्साहस करने वाले हूती को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। थी कि सुपर पावर अमेरिका के वॉरशिप को समंदर में भस्म कर देने के बाद ही अमेरिका के क्रोध से बचने के लिए हूती विद्रोही बैकफुट पर आ जाएंगे और साथ ही साथ हमले के पीछे कोई हाथ होने से इनकार करेंगे। लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। हूती के ब्रिगेडियर याह्या सारी ने सबके सामने आकर ताल ठोककर कह दिया कि रेड सी से गुजर रहे जहाजों पर हमला उन्हीं ने किया है, साथ ही साथ आगे इससे भी बड़े हमले हो सकते हैं। किसी और देश ने अमेरिका के वॉरशिप का ये हश्र किया होता तो अब तक कोहराम मच चुका होता। किसी और आतंकी संगठन ने अमेरिका के वॉरशिप का रास्ता भी रोका होता तो अब तक उसके समूल नाश के लिए युद्ध छिड़ चुका होता। हूती अब तक अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन और सऊदी के कई कमर्शियल जहाज और युद्धपोत तक पर हमला कर चुका है। लेकिन हूती के आगे सुपर पावर अमेरिका भी लाचार हो गया है। अमेरिका की इस लाचारी के पीछे हूती की ताकत और तेल का खेल है।
लेकिन उससे पहले देखिए हूती के लड़ाकों ने बीते कुछ दिनों में कितनी बार अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब की ताकत को चुनौती दी है। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद हूती विद्रोही लाल सागर और फारस की खाड़ी से गुजरते जहाजों पर अब तक 16 से ज्यादा बार हमला कर चुके हैं। लाल सागर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। यूरोप और अमेरिका की एनर्जी लाइन कहे जाने वाले लाल सागर में इन दिनों मिसाइलों की बारिश हो रही है। इस इलाके से गुजर रहे समुद्री जहाजों पर ईरान समर्थित हूती विद्रोही लगातार हमले कर रहे हैं। रेड सी से गुजरने वाले कार्गो और नौसेना के जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों ने अमेरिकी नेवी की नींद उड़ा दी है। हालांकि हूती विद्रोहियों का दावा है कि वो सिर्फ इसराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन इसराइल ने साफ साफ कहा है कि हूती ने अब तक जितने भी जहाजों को निशाना बनाया है उनमें से किसी का भी ताल्लुक इसराइल से नहीं था। היום נורו טילים לעבר שתי ספינות סוחר ללא קשר למדינת ישראל. אני חוזר עוד פעם שיהיה ברור, ללא שום קשר למדינת ישראל. ספינה אחת נפגעה באופן משמעותי והיא נמצאת במצוקה עם ככל הנראה סכנת טביעה, וספינה נוספת נפגעה פגיעה קלה. זה אירוע של חתרנות שלילית של החות'ים. צריך להבין שהאמל"ח שהחות'ים מבצעים איתו את הפעולה הוא אמל"ח איראני. हूतियों की इस हरकत से पूरे लाल सागर में अफरा तफरी का माहौल है। ये हूती मशीन गन से लैस होकर स्पीड बोट से डाकुओं की तरह समुद्री जहाजों को अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं। हूतियों ने कुछ जहाजों को तो अपने कब्जे में भी कर लिया है। उन्नीस नवंबर को हूती विद्रोही हेलीकॉप्टर से गैलस्की जहाज के डेक पर उतरे और पूरे क्रू स्टाफ को किडनैप करके जहाज को बंधक बना लिया। लेकिन गाजा का युद्ध शुरू होने के बाद से हूती अब तक कई जहाजों पर हमले कर चुका है। तीन दिसंबर को हूती ने अमेरिका के युद्धपोत को जला देने का दावा किया, लेकिन अमेरिकी नौसेना ने दावा किया कि उनके अर्ले बर्के श्रेणी के डिस्ट्रॉयर यूएसएस कार्नी ने यमन से लॉन्च किए दो ड्रोन को मार गिराया। इन दोनों ड्रोन का टारगेट अमेरिकी युद्धपोत ही था। अमेरिकी नेवी ने दावा किया है कि उनके युद्धपोत को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तीन दिसंबर को पांच घंटे के अंदर कम से कम तीन कमर्शियल जहाजों की तरफ यमन से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। इससे पहले 29 नवंबर 2023 को अमेरिकी डिस्ट्रॉयर यूएसएस कार्नी ने बाब अल मंडेब के पास हूती के कास 04 ड्रोन को मार गिराया। 26 नवंबर को हूती विद्रोहियों ने सेंट्रल पार्क नाम के जहाज को अदन की खाड़ी में यमन के तट से जब्त कर लिया। 25 नवंबर को हूती लड़ाकों ने लाल सागर से गुजर रहे एक क्रूज जहाज को जब्त कर लिया जिस पर इसराइल की एक कंपनी का झंडा लगा था। 24 नवंबर को हिंद महासागर में हूती ने एक कंटेनर जहाज पर हमला किया। 24 नवंबर को ही इजरायली डिफेंस फोर्स के फाइटर जेट ने लाल सागर के ऊपर हूती के एक ड्रोन को मार गिराया। 23 नवंबर को अमेरिका के वॉरशिप यूएसएस थॉमस हुटनर ने यमन से लॉन्च किए गए एक अटैक ड्रोन को मार गिराया। 22 नवंबर को हूती ने इसराइल के एक जहाज की ओर लक्ष्य करके एक क्रूज मिसाइल दागी।
IDF ने हूती की क्रूज मिसाइल को F-35 से मार गिराया। 19 नवंबर को हूती ने MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके 25 लोगों के गैलेक्सी लीडर नाम के ट्रांसपोर्ट जहाज को किडनैप कर लिया। ये तो बीते सिर्फ कुछ दिन की घटनाएं हैं। लाल सागर में हूती के हमलों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन अब समझिए कि हूती के आगे सुपर पावर अमेरिका भी इतना लाचार क्यों है। इसकी वजह है हूती की ताकत और तेल का खेत। दरअसल हूती ने पिछले 3 सालों में ईरान की मदद से इतनी लंबी रेंज की मिसाइल और ड्रोन जमा कर लिए हैं, जिससे सऊदी अरब के 25% तेल कुएं और रिफाइनरी तबाह किए जा सकते हैं। अरब के तेल के कुएं हूती के लिए सॉफ्ट टारगेट है। अगर हूती ने अरब में तेल के कुओं पर बड़ा हमला कर दिया तो तुरंत तेल बाजार में तेल के दाम 25% तक बढ़ सकते हैं। अगर हूती के हमले जारी रहे तो तेल के दाम कितने बढ़ जाएंगे, ये अमेरिका समेत विकसित देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। एक साथ 2 महायुद्धों का खर्च झेल रहे अमेरिका के लिए ये आर्थिक संकट संभालना मुमकिन नहीं होगा। अगर हूती ने अरब के तेल कुओं को जलाकर खाक कर दिया तो जंग में फंसे यूरोपीय देशों के लिए और बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। यूक्रेन जंग के बाद यूरोप के देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। ऐसे में यूरोप के देश ईंधन के लिए पूरी तरह सऊदी अरब पर ही निर्भर हैं। हूती के सऊदी पर हमले के बाद तेल के दाम बढ़े तो नेटो तक में फूट पड़ सकती है। हूती को मिटाना सुपर पावर अमेरिका के लिए बड़ा काम नहीं है, लेकिन इस वक्त यमन गृह युद्ध में बिल्कुल तबाह हो चुका है। अगर यमन पर बमबारी हुई तो इतना तय है कि पहले से भुखमरी झेल रहे यमन के आम नागरिक ही मारे जाएंगे और अमेरिका को इस जंग से कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन ईरान से ताकत ले रहे हूती अरब को जरूर बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे। We are talking about the Houthis here. They're the ones with their finger on the trigger. But that gun, the weapons here are being supplied by Iran. And Iran, we believe, is the ultimate party responsible for this. हूती के पीछे ईरान है और हूती के टारगेट पर सऊदी अरब के तेल के कुएं और लाल सागर से गुजरने वाले जहाज हैं। बिना नया जंगी मोर्चा खोले अमेरिका को दोनों की रक्षा करनी है, इसलिए अमेरिका ने सऊदी अरब की तरफ अपने सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम रवाना कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।